Hi and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the fourth part of Get Good at Blender Absolute Beginner Series. So in our last part humne kuch basic cheezon ke bare mein dekha tha kafi. So in this video hum thoda further aur isko explore karenge, blender ko thoda aur detail mein dekhenge. Isme hum dekhenge copies wagera wo kaise li jati hain aur ye jo hain mod hain ye kya hain aur kuch basic jo hai wo model karenge. So let's get started. So we already in Blender right now. So इसको हम delete करते हैं सबको delete और you can also follow my hotkeys over there. So आप देख सकते हैं if you can't understand my language or anything else. Okay जी, ये दबा के center इसको करते हैं और फर्स्ट हम शिफ्ट ए एंड क्रिएट अ प्लेन. लेट्स से एस फॉर स्केल और मैं इसको करता हूँ प्रेस करता हूँ 10 times स्केल कर दिया मैंने इसको. ठीक हो गया जी. ओके ये करने के बाद मैं इधर लेता हूँ जी फिर शिफ्ट ए और मैश एंड देन मैं लेता हूँ एक लेट्स से ये यूवी स्फीयर ले लेता हूँ. ठीक है और मैं जी और जी इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देता हूँ और मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ. और आपको याद है कि हम इस तरह जो है जा सकते हैं किसी भी में. अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर लेते हैं. आप इसके ऊपर क्लिक रहने दें तो ये जो गिज़्मो है ये इसके ऊपर रहेगा. लेट्स से जी मैंने ये कर लेट्स से थोड़ा सा मैं इंटरसेक्ट कर देता हूँ इसको. मैं एक स्नोमैन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं तो स्नोमैन बनाते हैं तो मैं इसको इंटरसेक्ट होने देता हूँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लेट्स से इतना. अच्छा एक तो अब हमने यहाँ पे लेनी है कॉपी. ये एक न्यू कमांड है वो हम सीखेंगे कॉपी कैसे लेते हैं. इस तरह माया में हम लेते थे शिफ्ट डी से शिफ्ट पकड़ के हम मूव करते थे. मैक्स में भी इस तरह हम लेते थे. तो ब्लेंडर में जो है एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएं सॉरी यहाँ पे और ये है कॉपी ऑब्जेक्ट कंट्रोल सी एंड पेस्ट ऑब्जेक्ट कंट्रोल बी. सो लेट्स से हम शॉर्ट कीज यूज़ करते हैं कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट. अगर अभी मतलब लुक लाइक जिस तरह माया में हम एक्सट्रूड करते थे तो आपको मैंने कहा था कि आप कैंसिल कर देते हैं तो वो आपने ध्यान रखना है कि मेक श्योर के आपने एक्सट्रूड नहीं किया क्योंकि डबल फेसेस पड़े होते हैं. तो अभी भी हमें यही लग रहा है जिस तरह ये एक वही स्फीयर पड़ा हुआ है लेकिन जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो हम देखेंगे कि उसकी कॉपी बन गई है. तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वो उसी जगह उसका जो है एक मैं इसको डिलीट करता हूँ उसी जगह एक क्लोन रख देता है. ये देखें आप. ठीक है जी एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका है इसका कि हम इसको पकड़ें और इसमें जाएं ऑब्जेक्ट में तो इधर हम देख रहे हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है शिफ्ट डी. ठीक हो गया इसकी शॉर्ट की है. अगर मैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट यहाँ से करूँ इसको प्रेस करूँ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तो आप देखें उसने क्लोन एक बना दिया. लेकिन कॉपी और पेस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड जो शिफ्ट डी है ये डुप्लीकेट जो ऑब्जेक्ट है इसमें फ़र्क ये है कि उसके अंदर वो उसी जगह छोड़ देता है उसे पेस्ट करके उसका क्लोन बना के. जबकि हम डुप्लीकेट जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो इसके अंदर वो डुप्लीकेट के साथ ही उसकी ग्रैब की जो कमांड है जो मूव की कमांड है वो भी एक्टिव हो जाती है. अभी मैं इसको जहाँ भी रखना चाहूँ मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये कमांड ख़त्म हो जाएगी. लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ इसको करता हूँ और शिफ्ट डी शिफ्ट डी मैंने किया है तो देखें ये उसने साथ ही मूव की कमांड भी एक्टिव हो गई है ग्रैब की जी वाली जो है. और अभी मैं इसको बता भी सकता हूँ कि आपने एक्स पे खाली करना है जी पे खाली करना है वाई पे खाली करना है. ठीक है या आपने जो है वो किसी भी आपने जिस पे भी करना है एक्स पे करना है. लेट से मुझे जी पे चाहिए मैंने इसके ऊपर को कॉपी लेनी है मैं इसकी एक ये कॉपी ले ली और ख़त्म की और उसने उधर ख़त्म कर दिया. एक तो तरीका ये है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. दूसरा ये अगर आप शिफ्ट डी करते हैं और मैं राइट क्लिक कर देता हूँ तो वो लग तो ऐसे रहा है कि कमांड कैंसिल हो गया कॉपी नहीं हुई लेकिन आपको याद होगा कि उसने क्लोन बना दिया है. राइट क्लिक जो है वो मैक्स की तरह आप कोई भी मूवमेंट या कमांड जो है उसको
उस टाइम पे कैंसिल अगर करना चाहें, अगर मैं इसको जी पे मूव कर रहा हूँ और मैं उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये वो कैंसिल कर देगा। तो ये एक मैक्स वाली खूबसूरत चीज़ है। लेट से मैं इसको इधर ले आता हूँ जी, और एस फोर स्केल है तो इसको थोड़ा स्केल डाउन कर देते हैं, ठीक है। और मैं इसको तो यही रहने देता हूँ। ये W से चेंज होते हैं, ये W, एक दफ़ा W प्रेस करूँगा दूसरे में चला जाएगा, फिर W प्रेस करूँगा तीसरे में चला जाएगा, फिर W प्रेस करूँगा, फिर W चेंज होते हैं। ये मैनिपुलेटर लेट से हम रखते हैं अपने पास, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसको यूँ देख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी, और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ, और देन शिफ्ट जी और ये ले लेता हूँ और स्केल डाउन इसको फिर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक हो गया जी। ये हमारा मिसाल के तौर पे ये बन गया स्नोमैन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं जी, हम इसके ऊपर हैट बनाना है हमने, तो हम क्या करते हैं कि हम शिफ्ट राइट क्लिक, आपको याद होगा ये करने से जो है आपका ये 3D कर्सर इधर आ जाता है, और आप जो भी आप क्रिएट करेंगे तो वो उधर ही क्रिएट होती है लेट से, ठीक हो गया जी। और हम क्या करेंगे जी, एस फोर स्केल करेंगे और जी पे करेंगे इसको स्केल, ठीक है जी, और लेट से जी ये हो गए, ठीक है। और हमने ये कर लिया, लेट से इसको इस तरह करते हैं और ER फॉर रोटेट, रोटेट करते हैं और Z पे ही करना है हमने, ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। और शिफ्ट A एंड देन अगेन हम सिलेंडर लेते हैं, ठीक है जी। और इस बार इसको करते हैं हम स्केल Z पे, देन स्केल इसको होल ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद इसको R फॉर रोटेट करते हैं तो ये है, और उसके बाद इसको हम मूव कर लेते हैं इधर करके, ठीक हो गया जी। ये देखेंगे इसको और इसको आर फॉर रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये उसका काइंड ऑफ हम हेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको टॉप पे ले आते हैं, ठीक है, टॉप पे ऐसे इसको देख लेते हैं। और अभी हम वो बाकी डिटेल में नहीं जा रहे, तो इसलिए आपने जो है वो परेशान नहीं होना, हम अभी इसको जो है सिंपल ही कर रहे हैं, और ये हो गया, ठीक हो गया जी। पर्सपेक्टिव में है, ठीक है, ये भी सेंटर में है, और आर रोटेट करके इसको हम ये ले लेते हैं, ठीक है। लेट से जी ये काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। और शिफ्ट से इन दोनों को पकड़ के हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक हो गया, और थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। लेट से जी ये हमारा हेड बन गया, ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हमने सिर्फ यही बेसिक शेप्स जो हैं वो हमने क्रिएट करनी है। हमने शिफ्ट ए किया और उसके बाद हमने ले ली कौन, कौन ले के हमने आर किया, रोटेट किया और एक्स, ठीक है। और ये इधर हमें नज़र आ रहा है रोटेशन जी, ये 90 होगी, तो मैं टाइप करता हूँ 90 एंटर, और उसके बाद इसको मूव कर देता हूँ आगे, स्केल करता हूँ इसको, ठीक है, और उसके बाद मूव करता हूँ इसको, ठीक है, और इधर मूव करता हूँ इसको, और इसको स्केल करता हूँ मैं जी पे नहीं करना, मैंने इसको मैं स्केल करूँगा वाई पे, ठीक है, उसके बाद स्केल डाउन करूँगा थोड़ा सा, तो ये मैं देखूँगा ये इसका काइंड ऑफ नोज़ बन गया, ठीक हो गया जी। और ये थोड़ा टेढ़ा आपको लग रहा है तो इसको पकड़े आर प्रेस करें और ऐसे करते हैं, ठीक हो गया जी, ये बन गया। और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे हम, लेंगे स्फीयर, लेंगे एस फोर स्केल करेंगे और ये उसकी बन जाएगी आई, ठीक हो गया जी। इसको इधर करके लगा देते हैं आई,
ठीक हो गया। और शिफ्ट डी आपको याद है एक्स पे करनी है हमने कॉपी, और इसको उसके मुताबिक हम लेट से ये ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा जो है वो बन गया है जी, काइंड ऑफ समझ लें हमारा स्नोमैन एक रफली सा। ठीक है, और इसके अभी हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि एक तो है आपने देखा होगा इसके वायर फ्रेम नज़र नहीं आ रहे। मैंने सारी मॉडलिंग कर ली है, तो जिस तरह मैक्स में आता था इसमें आता था, हमने ये बेसिक शेप से ही ये एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसके लिए है आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेन्यू है, ठीक है जी, इस पर आप जाएंगे मेन्यू पे, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि ये फेस फील्ड ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी ऑप्शन है। मैं आपको मैंने बताया था ये जिसके आगे एरो होता है छोटा सा उसके आगे फर्दर और ऑप्शन होती हैं, इस तरह ये। ठीक है जी, अच्छा, तो इसके वायर फ्रेम लाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ओवरलेज का मेन्यू है, इसके ऊपर अगर आप रखें तो ये आपको बताएगा, इसके ऊपर आप करें तो ये बेसिकली इसमें ऑप्शन हैं आपका, ये जो नीचे फ्लोर है जिस तरह मैक्स में भी आप हाइड करते थे, जी प्रेस करके आप हाइड कर देते थे, माया में भी आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, ये वो है। ठीक हो गया, और ये एक्सेस हैं जी जो इस पे शो हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ना हो तो ये एक्सेस नहीं शो होंगे। ठीक है, उसके बाद 3D कर्सर वगैरह ये ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ, और ये नीचे आ रहा है ज्योमेट्री और इसमें आ रहा है ये वायर फ्रेम। अगर आप प्रेस करें वायर फ्रेम पे तो ये वायर फ्रेम इसके ऑन हो गए हैं। ठीक है जी, अगर आप इसको ख़त्म करते हैं तो वायर फ्रेम इसके ऑफ हो जाएंगे। लेट्स से हम ऑन ही रहने देते हैं, और ये अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा कुछ जो इसकी सेटिंग होगी हाइड हो जाएगी, ये अनहाइड हो जाएगी, हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड। ठीक है जी, अच्छा, शिफ्ट सी से मैं जो 3D कर्सर है वो सेंटर में ले आया है दोबारा, आप देखें अगर। अच्छा, अभी इसमें देखने के लिए जिस तरह मैक्स में F3 हम वायर फ्रेम में चले जाते थे, माया में भी हम वायर फ्रेम में चले जाते, तो इसके अंदर जो वायर फ्रेम है वो बेसिकली ये है आपका। ठीक हो गया जी, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखें तो ये आपको बता रहा है जी व्यू पोर्ट शेडिंग जो है वो वायर फ्रेम है इस टाइम। ठीक है, और ये जो है ये व्यू पोर्ट शेडिंग, ये शेडिंग के अंदर है, ये वायर फ्रेम के अंदर है। इसकी सारों की शॉर्ट की जो है अगर आप जी प्रेस करके रखें जेड, और उसके बाद ये करता हूँ यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इस सारे को। ठीक हो गया जी, और मैं सॉलिड में चला जाता हूँ। ठीक हो गया, अच्छा, एक तो यहाँ से कर सकता हूँ और सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये भी चीज़ें हम फर्दर देखेंगे। तो एक तो ये हो गया, ये बेसिकली आपका वायर फ्रेम आ गया, आपका शेडिड आ गया, ये आपका आ गया जी आपका जो है लुक डब आप कह लें इसको, ये बेसिकली आपका वो है, ये आपका जो है ये बेसिकली आपका रेंडरिंग है। ठीक है, जिसके अंदर आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं, जो फाइनल आपकी रेंडरिंग है, ये आपका बेसिकली लुक डैब है, आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये मटेरियल प्रीव्यू आपको बता रहा है, आप मटेरियल प्रीव्यू कह लें या लुक डैब कह लें, इसके बारे में भी हम फर्दर इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल तो अभी के लिए इतना ही है जी, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फर्दर चीज़ों को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।